तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और मेरे पास जो ये क्यूब है, ये RS3M2020 नहीं है, ये है Elite RS3M2020। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ RS3M2020 के कुछ खराब चीजों के बारे में। और मैंने RS3M2020 के बजाय Elite RS3M क्यों खरीदा, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है सन 1980 की। एर्नो रुबिक ने मेरे पास आके कहा कि बेटा तुम्हें RS3M2020 चाहिए। मैंने बोला कि नहीं भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। देखो ये ज्यादा ही हो रहा है, ये एक साल पहले की बात। एक साल पहले मैं YouTube पे सर्च कर रहा था 1000 रुपए के अंदर सबसे बेस्ट रूबिक्स क्यूब कौन सा है, और तब तो मेरे जैसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था इतना पवित्र इतना शुद्ध। ऐसे तो नहीं होता है, कौन ही बताएगा हमें कि कौन सा रूबिक्स क्यूब लेना बेस्ट है 1000 रुपए के अंदर। तो मैंने जितने भी वीडियोस है सभी देख डाले और सभी ने एक ही चीज कहा कि RS3M2020। बहुत सर्च करने लगा मैं फिर कि इसके इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बुरे चीज क्या है। मेरे पास गुरुजी मतलब क्यूबिंग गुरु के एक वीडियो आई, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें स्ट्रिप्ट कोर का प्रॉब्लम रहता है, मतलब सजाते वक्त कोर बाहर आ जाता है और इस वजह से बिखर जाता है क्यूब, और ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है एक। ये तो मुझे डर लग रहा था कि 800 रुपए अगर मैं इस चीज पे खर्च कर रहा हूँ और ये अगर ऐसे वेस्ट हो गया तो भाई। और भी मैं देखने लगा, और एक बात मुझे पता चली RS3M2020 के बारे में कि इसमें जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है ना, बहुत हल्का फुल्का अट्रैक्शन होता है, इसीलिए बहुत स्पीड में घुमाने पर लेयर इधर उधर हो जाते हैं। तो भाई ये मैग्नेटिक क्यूब होने का फायदा ही क्या है फिर? तो मैं 800 रुपए खर्च कर रहा हूँ और एक अच्छा स्टेबिलिटी वाला क्यूब मुझे नहीं मिलेगा क्या यार, ये तो गलत बात है ना। और एक प्रॉब्लम है RS3M2020 में जो मुझे पता चला था, RS3M2020 बहुत ज्यादा लूप कंज्यूम करता है, मतलब तुम्हें लूप डालना ही पड़ेगा, खत्म हो जाएगा डालो खत्म हो जाएगा। ये मुझे उतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगा क्योंकि क्या है, लूप डाल देंगे फिर। अब ये तो तीन मेजर प्रॉब्लम RS3M2020 के, और भी छोटे मोटे प्रॉब्लम है। तभी मेरे पास YouTube में एक रिकमेंडेड वीडियो आती है कि Elite RS3M2020। अब मुझे लगा ये क्या है, फ्री फायर में Elite पास जैसा कुछ है क्या? उसमें देखा कि वो कम अट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम पूरी तरीके से इसमें गायब है, क्योंकि हर एक पीस में एक्स्ट्रा एक एक मैग्नेट लगे हुए हैं। एक प्रॉब्लम तो हल हो गया। फिर मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया कि Elite RS3M2020 में क्या स्ट्रिप कोर का प्रॉब्लम रहता है, तो मुझे एक भी ऐसा वीडियो नहीं दिखा कि Elite RS3M2020 में स्ट्रिप कोर का प्रॉब्लम रहता है या नहीं होता, होता है किसी ने अपलोड ही नहीं किया। मैंने RS3M2020 ना खरीद कर ये Elite RS3M2020 खरीदा। अभी एक साल हो गए इसमें ना तो स्क्रिप्ट कोर की प्रॉब्लम है, और जो बोलते हैं ना लूप बहुत लगता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं बहुत दिन बाद लुब्रिकेंट इसमें डालता हूँ, फिर भी अच्छा चलता है। और मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन है ये बहुत स्टेबल है Elite RS3M2020। तो मेरा ये मानना है, मैंने जो एक साल पहले ये डिसीजन लिया था कि मुझे Elite RS3M2020 खरीदना है, ये मैंने सही डिसीजन लिया। अभी अगर तुम सोच रहे हो कि RS3M2020 मुझे खरीदना है तो ऐसा मत करना, Elite RS3M2020 खरीद सकते हो, या फिर नया जो आ रहा है सुपर RS3M2020 क्यूब में। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और हमारे चैनल में कहीं से भी नया आ गए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग रूबिक्स रिलेटेड वीडियोस देखना तुम्हें पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूं तुम्हें एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।